जो पैरेलल सर्किट है, याद करो हमने सीरीज एलसीआर किया था और मैंने कहा था जो सीरीज एलसीआर होता है वो रेडियो सर्किट बनाने के काम आता है कि एक सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेते हैं बाकियों को नहीं कर पाता। सीरीज एलसीआर को रेजोनेंस पे एक नाम दिया गया था, एक्सेप्टर सर्किट, लिखा भी हुआ है मेरे असाइनमेंट में। सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट, जहाँ रेडियो की एप्लीकेशन लिखी हुई है। ऐसी अगर आर एल और सी पैरेलल में है, मतलब एल और आर तो चलो सीरीज में है, इसके साथ कैपेसिटर पैरेलल में है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट, इसे बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। अगर आप इस सर्किट को सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करना है, जैसे आई करंट आया इंडक्टर में चला गया कैपेसिटर में चला गया, बिल्कुल भी नहीं करना सॉल्व वैसे आपने। पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं, सॉल्व करके मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी आती है, आपको ये क्या फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। आपको कि ये कैसी रेजोनेंस है, याद करो जो हमने रेजोनेंस की थी उसमें सिर्फ एल और सी था, आर तो था ही नहीं। हमने एल और सी एलसी ऑसिलेशंस की थी, एल ऊपर सी नीचे था, एलसी ऑसिलेशंस की डेरिवेशन भी की थी और फ्रीक्वेंसी 1/√LC आती थी। अगर आर भी लगा हो तो ये फॉर्मूला, और अगर आर ना लगा हो तो वही पुराना फॉर्मूला 1/√LC। तो ये फॉर्मूला जो है, अगर एल सी आर तीनों लगे हों और रेजोनेंस हो जाए जिसमें एल और सी पैरेलल में हो और आर भी हो एल के पास, तो ये फॉर्मूला लगता है। आज तक ये फॉर्मूला आया नहीं है तो इसलिए बस मार्क कर लो, ठीक है लिखा हुआ है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, इतना ही सफिशियंट है, करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक नहीं आता।